श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अंक में बस इतना ही। दीजिए मुशर्रफ, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप news.on.ar पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalk@gmail.com। खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। इसमें 9 नवनिर्मित मालवाहक गलियारा स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन स्टेशन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसढ़, नारनौल, फुलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को काफ़ी फायदा होगा। ये माल गलियारा गुजरात में स्थित कांडला, पीपावाव, मुंद्रा तथा दाहेज बंदरगाहों से सामान की ढुलाई को भी आसान बना देगा। इस रेलखंड के शुरू हो जाने से देश का पश्चिमी और पूर्वी माल गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में वार्षिक कार्यनीतिक वार्ता होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे, जबकि फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन करेंगे।